क्लास अब हमारा न्यू टॉपिक है ऑक्सीजनेशन। ये आपकी जो ये यूनिट चल रही थी उसी में से है। फर्स्ट है ये 10th यूनिट का टॉपिक है आपका ऑक्सीजनेशन। में टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे आज हम। एरोबिक, एरोबिक का मींस आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। एरोबिक मींस विद ऑक्सीजन, ओके, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ। एनारोबिक मींस विदाउट ऑक्सीजन, ओके। एनोरेक्सिया, सॉरी एनोक्सिया मीन्स नो ओ टू रीचिंग द ब्रेन, मीन्स ओ टू का ब्रेन के ब्रेन में ना नहीं पहुँचना, ओके, उसे बोलेंगे हम एनोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग नहीं आ पा रही हो, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग की उस तब हम वर्ड यूज़ करते हैं एपनिया, ओके। नेक्स्ट है एपनियोस्टिक ब्रीदिंग। एपनियोस्टिक ब्रीदिंग का मीन्स क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड गैस्पिंग इंस्पायरेशन एंड शॉर्ट इन एफिशियंट एक्सपायरेशन, मीन्स जो हमें हाफ नहीं आती। जैसे आप लोग देखते हैं, जब आप लोग दौड़ काफ़ी टाइम, मतलब 1-2-4 मिनट तक दौड़ रहे हैं और एकदम से जब आपको हाफ नहीं आने लगती, उसको ही हम गैस्पिंग बोलते हैं, ठीक है। जो हाफ नहीं हमको आती है और जब वो हाफ नहीं के टाइम पे हमारी जो सांस का रुक जाना, उसी को बोलते हैं एपनोस्टिक ब्रीदिंग। नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होती है, तब हम टर्म यूज़ करते हैं डिस्निया, ओके। नेक्स्ट है हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस मीन्स ब्लड इन द स्पुटम, मतलब कि स्पुटम में जब ब्लड आने लगता है तो उस टाइम पे हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हीमोप्टाइसिस, ओके। नेक्स्ट है टैकिपनिया। टैकिपनिया में है इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, मीन्स जो ब्रीदिंग का रेट है वो बढ़ जाना है ना, ब्रीदिंग का बढ़ जाना, तब हम यूज़ करेंगे ट्रैकेपनिया, ओके। या आप वैसे वर्ड यूज़ कर चुके हैं बट मैं एक बार और बताऊँगी। हीमोप्टाइसिस ब्लड इन द स्पूटम, मीन्स स्पूटम जो हमारे कफ के साथ जो निकलता है ना, बलगम, जिसे हम बलगम बोलते हैं, उसमें ब्लड आ जाना, उसी को हम बोलते हैं हम हीमोप्टाइसिस, ओके। नेक्स्ट है ट्रैकेपनिया। ट्रिकिपनिया मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि जो ब्रीदिंग की रेट है वो इंक्रीज बढ़ जाना, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिकिपनिया, ओके। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी मीन्स ट्रैकिया, देखो इसमें ये वर्ड आ रहा है ट्रैकिया, ओके। तो इससे रिलेटेड क्या, मतलब जब भी स्टोमी आ जाए तो मीन्स कि ओपनिंग, ओके। तो मेकिंग ऑफ एन ओपनिंग इन टू द ट्रैकिया और बाइंड पाइप, मीन्स कि ओपनिंग करना किस में, ट्रेकिया में या फिर वाइंड पाइप, ट्रेकिया को ही वाइंड पाइप बोलते हैं, उसमें एक ओपनिंग करना, हाँ। विंड पाइप में जो ओपन, सॉरी ट्रेकिया और विंड पाइप, मतलब कि इसमें ट्रेकिया में एक ओपनिंग कर देना, ठीक है, या फिर विंड पाइप एक ही मीन्स है, ट्रेकिया और विंड पाइप एक ही होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे हम ट्रेकेस्टोमी। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, उसे तब हम टर्म यूज़ करेंगे हाइपोक्सीमिया, ओके। ये टर्मिनोलॉजीज आपको जरूरी याद करना है, क्योंकि ये आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो आते हैं, ठीक है, 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं, या फिर आप जब भी कुछ भी पढ़ोगे तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ में आते हैं। फिर आपको नहीं पता होगा तो फिर मतलब आगे कोई भी चीज़ का मीन्स समझ में प्रॉब्लम आएगी। और ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपके हॉस्पिटल्स में भी लिख के देते हैं कि माना हीमोप्टाइसिस, तो आपको हीमोप्टाइसिस का मतलब ही नहीं पता है तो फिर आप क्या उसका डायग्नोसिस फाइंड आउट कर पाओगे? ट्रैकियोस्टोमी का मीन्स ही नहीं पता है तो क्या डायग्नोसिस फाइंड आउट कर पाओगे? इसके लिए ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको आना चाहिए। मैं फिर से बता रही हूँ, एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, एनोक्सिया मीन्स नो ओ टू रीच इन द ब्रेन, ओके। एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। पॉस्टिक एपनियोस्टिक ब्रीदिंग मीन्स प्रोलॉन्ग गैस्पिंग इंस्पायरेशन शॉर्ट इन एफिशियंट एक्सपायरेशन। डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। हीमोप्टाइसिस मीन्स ब्लड इन द स्पुटम। टैकिपनिया मीन्स इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट है ट्रैकियोस्टोमी, मेकिंग ऑफ एन ओपनिंग इनटू द विंड पाइप और ट्रेकिया। एंड हाइपोक्सीमिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ओके। स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीजन, इसमें जो पाइप्स दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ऑक्सीजन को कैसे हम देते हैं। कोई भी जो पेशेंट होगा जिसमें
क्लास अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या होता है, ऑक्सीजन किसी को देना, एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट द इफेक्ट ऑफ O2 डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या ट्रीट करता है, जो O2 मतलब ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसको, उसके इफेक्ट को ट्रीट करता है। यदि हम ऑक्सीजन किसी को देते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन जिसके अंदर कमी हो रही है उसको पूरा करता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के क्या क्या टाइप्स है वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या है, हम ऑक्सीजन क्यों देते हैं, किस पर्पज़ से देते हैं। फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एनोक्सीमिया, हम किसके लिए देते हैं, सॉरी जो रिड्यूस इफेक्ट मतलब कि जो एनोक्सीमिया का इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। सेकंड, टू मेंटेन हेल्दी लेवल्स इन टिश्यू ऑक्सीजनेशन, मींस जो टिश्यूज हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए भी हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, ये सिर्फ आप पढ़ चुके हैं वैसे लास्ट में, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसमें है लो फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस और हाई फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस, मींस कि ऐसी डिवाइस जिनसे हम मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन दे कर रहे हैं ऑक्सीजन का वो लो फ्लो में जाए, मतलब धीमा धीमा जाए, और हाई फ्लो में मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का एडमिनिस्टर हो। ओके, तो इसमें है लो फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस में नेजल कैनुला, ऑक्सीजन मास्क, इन दोनों प्रोसीजर के थ्रू हम लो फ्लो में ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हाई फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस में क्या है, ऑक्सीजन हुड इनक्यूबेटर, मतलब ऑक्सीजन हुड इनक्यूबेटर के थ्रू हम हाई फ्लो में मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नेजल कैनुला के बारे में कि नेजल कैनुला क्या होता है, कैसे ऑक्सीजन देते हैं। ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हम ट्रीट करने के लिए देते हैं ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। इसका पर्पस है कि जो भी अफेक्ट एनोक्सीमिया को रिड्यूस करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए टिश्यू ऑक्सीजनेशन को। इसमें टू टाइप्स के हैं, लो फ्लो हाई फ्लो। लो फ्लो में नेजल कैनुला ऑक्सीजन मास्क और इसमें ऑक्सीजन हुड इनक्यूबेटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेजल कैनुला। नेजल कैनुला, अब नेजल कैनुला क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लो फ्लो डिवाइस यूज टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, एक लो फ्लो एडमिनिस्टर डिवाइस है जिसमें हम जो भी ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं वो किसमें, लो फ्लो में, मतलब इसका क्या है, लो फ्लो में इसका यूज़ किया जाता है। लो फ्लो डिवाइस है नेजल कैनुला, इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑक्सीजन यूज टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देने के लिए। रबर और प्लास्टिक ट्यूब दैट एक्सटेंड अराउंड द फेस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक रबर और प्लास्टिक का कोई ट्यूब ऐसा ट्यूब होता है जिस जो फेस पर फेस कप राउंड दैट फिट इनटू द नॉस्ट्रिल्स, वन साइड द ऑफ द ट्यूब कनेक्ट टू ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई। मीन्स इसमें क्या होता है, एक ट्यूब रहती है, ठीक है, प्लास्टिक और रबर की एक ट्यूब रहती है जिसे हम जो नोज़ के नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें डाल के उसके बाद हम उसे फेस के थ्रू ऐसे कर्व करके, चिन से कर्व करके और टेप के थ्रू उसको हम ऑक्सीजन, जिससे हमें ऑक्सीजन जो जहाँ सप्लाई हो रही है उसे हम कनेक्ट करते हैं, उस ट्यूब को नॉस्ट्रिल से लेते हैं फेस पर टैप करते हुए, चिन के थ्रू इधर नॉस्ट्रिल से लेके इधर टैप करते हुए और उससे कनेक्ट करते हैं उस ट्यूब को जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होना है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं नेजल कैनुला। नेजल मीन्स नोज से रिलेटेड है ना, कैनुला मीन्स ट्यूब, तो नेजल कैनुला मतलब कि नोस्टल से जो ट्यूब निकल रही है ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है नोज़ के थ्रू, दैट इज़ नेजल कैनुला। इसमें लो फ्लो रहता है, जो भी ऑक्सीजन का हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो लो फ्लो में रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इक्विपमेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें नेजल कैनुला के लिए। जब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा, फर्स्ट नेजल कैनुला में इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, फर्स्ट ऑक्सीजन सप्लाई विद अ फ्लो मीटर, इसमें जो
हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो मीटर के साथ वो इक्विपमेंट चाहिए हमें। ओके, सेकंड नेजल कैनुला एंड ट्यूबिंग चाहिए, नेजल कैनुला चाहिए हमें, ट्यूबिंग चाहिए, टेप चाहिए जिससे उसको हम वहाँ पे स्टिक कर सके, ट्यूब जो हट रही है या एक जगह पे स्टेबल नहीं हो पा रही तो वहाँ पे टेप चाहिए हमें उसको स्टेबल करने के लिए। स्टराइल डिस्टिल वाटर, स्टराइल डिस्टिल वाटर चाहिए, जैसे हम एक बार नॉस्ट्रिल्स में डाला ट्यूब बट वो नहीं जा पाया या फिर जो पेशेंट है वो इरिटेट कर रहा है तो हमें दोबारा से उसी ट्यूब को डालना है तो हम उसको डिस्टिल वाटर से क्लीन कर सके इसके लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर क्या क्या आएगा। जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट को बता के देना है कि हम उसके साथ कौन सा प्रोसीजर हम करके दे रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर उन्हें हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उनके साथ प्रोसीजर कैसे करेंगे, वो सब उन्हें हम पहले बता के देंगे अपने पेशेंट को। तो इसमें और उसके वाइटल साइंस, उसके जो भी बीपी है, टेम्परेचर है, फीवर, सब कुछ चेक करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रोवाइड सेमी फाउलर्स पोजीशन, ठीक है, हम क्या करेंगे जो भी पेशेंट होगा हमें उसे सेमी फाउलर पोजीशन पर आप दिलवाएंगे। आपको पता है सेमी फाउलर पोजीशन कैसी होती है, सेमी फाउलर ऐसे जैसे पेशेंट ये बैठा है और ये पोजीशन ऐसे, इस टाइप की जो पोजीशन होती है उसे हम सेमी फाउलर पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। आपने पोजीशंस में पढ़ा होगा, जिस ये पोजीशन इसलिए दी जाती है जिससे जो चेस्ट मूवमेंट है, चेस्ट मूवमेंट अच्छे से हो पेशेंट का, इसलिए हम और जो ब्रीदिंग ब्रीथ ले रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसको ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई होने में भी उसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम उसे सेमी फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को। ओके, सो सेकंड है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वो हमें अपने पेशेंट को, क्लाइंट को बता के देना है कि हम उसके साथ क्या करेंगे, मतलब कौन सा प्रोसीजर करेंगे। थर्ड वन सेटअप ऑक्सीजन इक्विपमेंट, फिर हमें क्या करना है, सारे जो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सेटअप करके रखना है, हमने अभी जो इक्विपमेंट्स लिए थे उन सबको क्या करना है, रखना है एक ट्रे में, ठीक है, उस ट्रे में लगा के रखना है। फिर हमें क्या करना है, फोर्थ में टर्न ऑन द ऑक्सीजन एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, ठीक है, हमें ऑक्सीजन उसी रेट पे टर्न ऑन करना है जिस ऑक्सीजन मीटर से जब हम ऑक्सीजन देंगे तो उस पर वही उतनी ही वैल्यू रखना है, उतनी रेट रखना है जो डॉक्टर हमें प्रोवाइड करे, हमें उतनी ही वैल्यू पर रखना है, ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा दे दें हम, नहीं, जो डॉक्टर बोल रखे गए हैं हमें, फिजिशियन जो ने प्रिस्क्राइब जो किया है जिस रेट पे, कम तो कम, ज़्यादा दिया तो ज़्यादा, उस रेट को ही हम, रेट पर ही हम ऑक्सीजन उनको प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पुट द कैनुला ओवर द पेशेंट फेस, फिर क्या करेंगे हम जो कैनुला है पेशेंट के फेस पर रखेंगे, लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कैसे उसको अटैच करना है नॉस्टिल्स से, फेस से। ओके, नेक्स्ट असिस्ट द क्लाइंट रेगुलरली, फिर क्या करना है हमें असिस्ट मतलब क्लाइंट को, जब हमने वो ऑक्सीजन सप्लाई होने लगी है तो क्लाइंट को देखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है कि नहीं, उसको कोई इरिटेशन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फिर हमें क्लाइंट से पूछना है, ठीक है, असिस्ट करना है कि आप बार बार उसकी ट्यूब वगैरह निकल तो नहीं गई है या फिर जो भी ऑक्सीजन का रेट है वो कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। असिस्ट द वाइटल साइन कलर ब्रीदिंग मूवमेंट, फिर हमें क्या करना है, असिस्ट करना है उसके वाइटल साइंस कलर ब्रीदिंग मूवमेंट, ये सारे हमें करना है। प्रोसीजर ईजी है, आप बस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, कुछ नहीं है, नेजल कैनुला क्या है, एक लो जब हमें लो ऑक्सीजन फ्लो देना होता है तो हम नेजल कैनुला का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ नहीं, ये रबर और प्लास्टिक ट्यूब रहती है, ठीक है, इसमें ये फिट करते हैं नॉस्टिल्स में, ठीक है, फेस के थ्रू इसमें इसको कनेक्ट करते हैं ऑक्सीजन ट्यूब से जिससे ये ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ठीक है। इक्विपमेंट में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन मीटर रहता है, नेजल कैनुला होता है, टेप होता है और स्टराइल वाटर होता है। प्रोसीजर में सेमी फाउलर पोजीशन देंगे हम, फिर उसको बताएंगे कि प्रोसीजर हम क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन इक्विपमेंट सेटअप करना है और जो भी प्रिस्क्राइब रेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीजन फ्लो देना है। ओके, कैनुला लगाना है उसके फेस पे नॉस्ट्रिल से लेके, फिर असिस्ट करना है क्लाइंट रेगुलर को और उसके वाइटल साइंस और कलर और चेस्ट मूवमेंट उसका देखना है। सो क्लास, आपका ये वाला ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए
या कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।